हौसला बनिए एक दूजे का, इस पक्के यकीन के साथ गुजर जाएगा ये दौर भी इस कड़े इम्तिहान के बाद। अपने इसी वाक्य के साथ सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। मैं दीक्षा आज आप सभी के सामने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कुछ कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुख बातों की आवश्यकता है, पहला संकल्प और दूसरा संयम। क्योंकि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतना लगभग असंभव ही होता अगर हमारे पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, चौकीदार काम पर नहीं होते। कोरोना विकट से निपटकर चकित किया संसार को, हे वीरो तुम पर गर्व है, स्वीकार करो आभार को। हमें संकट के इस चुनौतीपूर्ण समय में देश के साथ मजबूत खड़े रहने और कोविड 19 पॉजिटिव लोगों का इलाज करने के लिए सभी डॉक्टरों और नर्सों का धन्यवाद करना चाहिए। वैश्विक महामारी के इस समय में जब सारा देश अपने अपने घरों में अपनी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर एक तबका ऐसा भी है जो शारीरिक और मानसिक थकान के बावजूद लगातार काम कर रहा है। इस समय में अस्पताल के अन्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस, वैज्ञानिक, पुलिस आदि देश के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। इन सभी लोगों ने खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया है ताकि इस लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके। कोरोना की ये वैश्विक महामारी है, लॉकडाउन की वजह से हारी है। जंग के योद्धा डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी हैं। हम लड़ेंगे, जीतेंगे भी, फिलहाल जंग जारी है। ऐसे में हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम लॉकडाउन का पालन करें और इनके समर्पण का सम्मान करें। अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, बड़े बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, यह दौर भी गुजर जाएगा। थाम लो अपने पाँव को घरों में, कोरोना भी थम जाएगा। धन्यवाद।